हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अभी अपना टेस्ट अपना चल रहा है, मिड सेशन का टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 5 आज हो गया आपका। इसका अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो इसमें आपके जो चैप्टर्स हैं वो हैं फंक्शन, ITF और लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इन टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आए थे इस टेस्ट में, तो इनको अपन सॉल्व करेंगे। तो माई सेल्फ देवेंद्र अग्रवाल, टीम मैथ CLC सीकर। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन। यस, क्वेश्चन नंबर वन में क्या कह रहा है देखो आप, ये पैराग्राफ आपको दिया हुआ है और इसमें पैराग्राफ में किसका पैराग्राफ है? लिमिट का। तो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, लिमिट एल इक्वल है अपना लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस ए ई टू द पावर एक्स प्लस बी ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी एल एन वन प्लस एक्स होल अपॉन एक्स क्यूब। अपने को कह रहा है कि ये जो लिमिट एल है वो अपने को फाइंड करनी है। चलो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे। तो जीरो पुट किया तो क्या हो गया, ये तो जीरो आ गया, ये हो गया ए, ये आ रहा है बी, और ये आ गया अपना सी। एल एन वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये आ गया जीरो। तो कुल मिला के यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, ए प्लस बी। बट आप नीचे देखो, एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये नीचे बेस क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यदि लिमिट एग्जिस्ट करानी है आपको, यदि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है ना, अपने पास जो ऑप्शन है उसमें क्या है, लिमिट फाइनाइट आ रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास 0/0 का फॉर्म बनना चाहिए, तभी इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। उसको अपन सॉल्व करके क्या करेंगे, फाइनल लिमिट निकालेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो न्यूमरेटर है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से एक कंडीशन निकल के आई मेरे पास, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब दूसरी बात, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ गया, अब नाउ इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0। तो अपन क्या करते हैं, एलएच रूल लगा लेते हैं। तो एलएच रूल आप लगाओगे तो क्या करोगे, न्यूमरेटर को अलग से डिफरेंशिएट और डिनोमेटर को अलग डिफरेंशिएट करोगे। माइनस बी ई की पावर माइनस एक्स है ना, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन प्लस सी। एल एन का क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स, और वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन आएगा। तो वो सम सेम रहेगा फंक्शन। डिनोमिनेटर में क्या आ गया अपने पास, 3x2। अगेन वी विल पुट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे देखते हैं क्या हो रहा है, अभी भी डिनोमिनेटर किसको जा रहा है, जीरो को। तो न्यूमिनेटर किसको जाएगा, चेक करो, कॉस जीरो का वैल्यू वन, ये क्या बचेगा ए माइनस, यहां पे क्या बचेगा बी, प्लस एक्स की जगह जीरो रखोगे तो क्या आएगा, सी आएगा। अगेन न्यूमिनेटर जो है वो क्या आ रहा है, एबीसी में आ रहा है, बट नीचे डिनोमिनेटर यदि जीरो को टेंड कर रहा है तो लिमिट किसको टेंड करेगी, इनफाइनाइट को। बट लिमिट आपको क्या करना है, फाइनाइट बनानी है। तो क्या होगा, नीचे यदि जीरो आ रहा है तो ऊपर वाला भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहां से एक और कंडीशन मिल गई आपको, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो सेकंड कंडीशन में यहां लिख देता हूं, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो। यहां तक बात समझ आ गई। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अपन, 0/0 का फॉर्म बन गया है। तो एक बार और एलएच रूल लगाओगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन प्लस ए ई की पावर एक्स, और ये अगेन क्या बन जाएगा, प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा, वन अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। सो यहां पर हो जाएगा माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अगेन नीचे क्या हो जाएगा, 6x। अब इसमें आप फिर से आप क्या करोगे, एक्स इक्वल जीरो रखोगे तो ऊपर तो ये तो क्या हो गया, जीरो हो गया, यहां आ जाएगा जीरो, ये हो गया ए, ये हो गया बी प्लस में, ठीक है, ए प्लस बी, और यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस वन, यहां पे क्या आ गया, माइनस वन। तो यहां पे नीचे भी डिनोमिनेटर अभी भी क्या जा रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना जो न्यूमिनेटर है वो भी जीरो को टेंड करना चाहिए। तो अपने पास तीन कंडीशन आ रही है, कितनी आ रही है, तीन कंडीशन आ रही है। तो अपन एक काम करते हैं, एक काम करते हैं अपन है ना, लिख लेते हैं एक बार फिर से। पहली कंडीशन क्या आई थी मेरे पास, पहली कंडीशन आई थी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, दूसरी कंडीशन आ गई ए माइनस बी, लास्ट में क्या आया था, प्लस वन, क्या था, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स था, तो सी अपॉन आया होगा ना, तो सी अपॉन वन प्लस एक्स, तो सी आ गया था, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। और थर्ड जो कंडीशन आई थी मेरी वो आई थी, यहाँ पर वन भी आया था ना, वन कर लेते हैं इसको फटाफट से एक बार, और साइन की डिफरेंशिएशन क्या था, कॉस कॉस प्लस यहाँ पे आ गया था ए, कॉस जीरो की वैल्यू आ गई थी वन, ठीक है, वन प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी है ना, वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी, ये आ गया था। तो वन प्लस ए माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना, ये आ गया था। अब एक बार और डिफरेंशिएट किया था आपने लास्ट में, तो क्या आ गया था, साइन तो जीरो, तो ए प्लस बी, और यहां बच गया था आपका माइनस का सी अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि
माइनस का सी बचेगा यहाँ पर, इक्वल टू में जीरो। तो ये तीन इक्वेशन है, तीन उन्होंने सॉल्व कर लेंगे तीनों को, तो आपके पास ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो आप सॉल्व करोगे तो ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी, तो इसको मैं रख के क्या करोगे, इसको आप आराम सॉल्व कर सकते हो। चलो मैं कर देता हूँ उसको सॉल्व और थोड़ा सा। तो ये कितना रहा है, तीनों को ऐड करो आप, तो एक काम करो आप, ए प्लस बी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ रख दो जीरो, तो ये तो कितना आ गया, सी की वैल्यू जीरो आ गया, तो सी की वैल्यू हो गई जीरो, सही है ना। ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से ए प्लस बी जीरो रखोगे तो कितना आ जाएगा, सी का वैल्यू जीरो आ गया, सी की वैल्यू जीरो आ रही है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वन प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया मैंने सी इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया। अब ए प्लस बी बराबर जीरो है तो बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस टू ए इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू जो आ रही है माइनस हाफ, तो ए की वैल्यू यदि माइनस हाफ है तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस हाफ आ जाएगी, क्योंकि दोनों का सम क्या है जीरो, तो बी की वैल्यू आ गई प्लस हाफ, तो ए की वैल्यू माइनस हाफ, बी की वैल्यू प्लस हाफ और सी की वैल्यू जीरो। पुट कर दो आप लिमिट में, तो देखो लिमिट क्या आती है, लिमिट आ जाएगी आपकी एल इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स प्लस ए, ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस हाफ, ए की वैल्यू होगी माइनस हाफ, चलो रब कर देना थोड़ा सा, साइन एक्स माइनस हाफ ए की पावर एक्स प्लस हाफ ए की पावर माइनस एक्स प्लस सी जीरो हो गया, अपॉन में क्या आ रहा है एक्स क्यूब। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, यहाँ से ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स दोनों की सीरीज रख दो आप, सीरीज को पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से समझ में आ गई बात, सीरीज को पुट कर दो और साइन की सीरीज रख दो, तो आपको एल की वैल्यू मिलेगी, और एल की वैल्यू कितनी मिलेगी सॉल्व करके, माइनस वन बाई थ्री, कर लोगे ये लगाम। चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है ये, इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हैज, सही है, ए और बी की वैल्यू तो अपन निकाली चुके थे, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही थी इसमें, ए की वैल्यू आ रही थी आपकी माइनस हाफ और बी की वैल्यू क्या आ रही थी प्लस हाफ प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। तो एक्स कॉमन ले लो, ऐसा करो माइनस हाफ एक्स कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, सही है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो जीरो आ रही है और एक वन आ रही है, तो एक्स की दो वैल्यू आ रही है जीरो एंड वन, तो क्या आ जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स ना इक्वल नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट ना रियल है, अनइक्वल पॉजिटिव रियल रूट नो, ये पॉजिटिव नहीं है ना, जीरो आ रहा है, और लास्ट में अनइक्वल रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट होगा इसका। चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखो सेकंड पैराग्राफ में ये कह रहा है आपसे, एफ एक्स एक फंक्शन आपको गिवन है और कह रहा है वेयर पी एक्स इज अ क्यूबिक फंक्शन एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक्स अपना क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, और दूसरी बात, अच्छा एक काम ये भी कर सकते हो, पता है क्या, पी आप उसमें जो क्वेश्चन नंबर वन था उसमें सीरीज ना पुट करके क्या करो आप, सीधे सीधे ये काम ही कर सकते हो, ऊपर नीचे एल एच रूल तो अपने लगा ही दिया था लास्ट तक, ठीक है ना, तो उसमें बस आप क्या करो ए और बी की वैल्यू पुट कर देना, तो वहां से लिमिट आपकी डायरेक्ट भी आ सकती है ना, जब अपने शुरुआत में पुट किया था ना अभी फर्स्ट क्वेश्चन में, सीरीज मत एक्सपेंड करो आप, पूरा सीरीज मत पुट करना, क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन था ना अपना, यस ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, आपने दो बार डिफरेंशिएट तो कर ही लिया था एल एच रूल से, तो उसी में ए और बी की वैल्यू रख के सीधे आप क्या कर दोगे, नीचे तो क्या आ गया था सिक्स एक्स आ गया था, तो एक्स को अलग कर देना, तो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो जाएगा वन, और बाकी e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स, उसको भी आप सॉल्व कर लोगे ना, चलो प्लस माइनस वन कर देना उसमें ना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, तो देखो थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है आपसे, यस फंक्शन आपको देखा है एफ एक्स इक्वल टू दिस एंड वेयर पी एक्स इज अ क्यूबिक फंक्शन एंड एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो एक काम करो, पहले तो आप देखो, यदि आपसे कह रहा है कि फंक्शन एफ क्या है कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन एफ क्या है कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब क्या हो गया, एल एच एल इक्वल टू होनी चाहिए आर एच एल इक्वल टू होनी चाहिए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, यानी कि एल एच एल इक्वल टू थ्री रख दो आप, आर एच एल इक्वल टू थ्री रख दो, वहां से ए और बी की वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएंगी, सही है। तो करें शुरू, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ, तो सबसे पहले मेरे को आप ये बताओ कि आपको इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो क्या करा जाए, एल एच एल निकालोगे आप, तो वैल्यू एट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो एक्स इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगी एल एच एल, देखो रखो आप जीरो, तो जीरो रखोगे तो ये तो जीरो हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू वन, तो बी बचेगा, तो ए प्लस बी प्लस फाइव, और नीचे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बट इट मस्ट बी इक्वल टू थ्री, ठीक है ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे जो भी फंक्शन आ रहा है एफ एक्स, है ना, ये कितना देखा है अपने को थ्री, क्योंकि वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल होगा, तो यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है अपने पास,
यदि मैं इसमें 0/0 की फॉर्म बनाऊंगा तो क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यानी इक्वल टू 3 आएगी। वैसे तो इन्फिनिट को अप्रोच कर रही है ना। अब क्या करो आप इसमें एक बार एल एच रूल लगा दो। आप एल एच रूल लगाओगे, जब 0 कर दिया आपने, ए प्लस बी की वैल्यू 0 कर दी है, तो यहाँ से क्या बनेगा अपने पास, एल एच रूल लगा सकते हैं, 0/0 का फॉर्म बन रहा है तो डिफ्रेंशिएट करो ऊपर। डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा ऊपर बताओ, ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। ऊपर डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो गया तुम्हारा a इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, और माइनस एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस का साइन एक्स आ गया, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो माइनस का एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और माइनस का क्या आ गया, बी साइन, अपॉन में क्या आ गया, 2x। अगेन एक्स के लिए 0 पुट करो आप, तो एक्स के लिए 0 पुट करेंगे तो नीचे तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर भी 0 को टेंड करना चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो क्या बचा बस, अब यस अब आ रहा है ऊपर 0 आ रहा है, अब क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करो आप, सीधे इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लें इसको अपन, बताओ क्या आ जाएगा, माइनस का ए साइन और यहाँ बी साइन, तो माइनस का क्या हो जाएगा, साइन कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस ए माइनस बी, तो माइनस साइन कॉमन ले लिया और साइन कॉमन ले लिया, तो ए प्लस बी बच गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का ए कॉस एक्स, और अपॉन में क्या आ रहा है, 2x, सही है, ये आ गया। अब दोनों को सेपरेट कर दो, दोनों को अलग अलग कर दो, इक्वल टू 3 करना है आपको, तो दोनों को अलग अलग करोगे तो क्या मिल जाएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स की लिमिट कितनी हो गई, एक्सटेंडिंग टू क्या चल रहा है अपना, 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया माइनस का ए प्लस बी अपॉन 2 माइनस, यहाँ से आ जाएगा एक्स, एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का ए बाई 2, और ये किसके इक्वल आ रहा है, 3 के, तो यहाँ से सॉल्व होकर आ रहा है मेरे ख्याल से, माइनस ए बाई 2 माइनस ए बाई 2, यानी कि माइनस का ए आ गया, माइनस का बी बाई 2 आ गया, इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व कर लें अपन फटाफट से, ए प्लस बी कितना था, 0, तो ऐसा करो बी की वैल्यू माइनस ए रख दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2a, माइनस का 3/2a, यानी कि क्या हो गया, a बराबर माइनस 2, यहाँ से सॉल्व करके आ रहा है a बराबर माइनस 2, और a की वैल्यू माइनस 2 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 2, सही है ना, a की वैल्यू माइनस 2 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस 2 आ जाएगी। तो एक काम करें अपन फटाफट से, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अब a और b को अपन क्या कर लें, यूज कर लेते हैं, ठीक है, fx आ जाएगा, उसके बाद अपने को क्या करना है, यहाँ से a और b आ गया, और a और b आ गया अपने पास माइनस 2 प्लस 2, तो कितना आ रहा है देखना जरा, माइनस का 6 और ये आ रहा है 2, तो माइनस का 2, तो इसका मतलब ये हो गया 3a sin x प्लस b cos x, है ना, इसका रेंज बताना है अपने को, तो a और b आ गया तो इसका रेंज कितना आ जाएगा, निकालो फटाफट से, चलो रेंज निकालो, रेंज कितना आ जाएगा, रेंज आ जाएगा आपका, तो इसमें देखो क्या करेंगे, कुछ मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक होगी ना इसमें, a की वैल्यू माइनस, एक मिनट रुको, यहाँ मैंने 2 को इधर लिख के एलसीएम लूंगा, तो क्या आ रहा है, माइनस 2a माइनस b इक्वल टू 6। अच्छा यहाँ पर जो अपन ने x की वैल्यू 0 रखी थी तो क्या आ रहा था, ये a प्लस b प्लस 5 रह गया ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस 5 और आएगा, सही है ना। आपने जब लिमिट में x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 पर जब चेक करोगे लिमिट, तो नीचे तो क्या आ गया, 0 आ गया, और ऊपर क्या हो रहा है, ये तो 0 हो गया, ये हो गया 1, तो यहाँ पर क्या बच गया, a, यहाँ क्या बच गया अपना b, और प्लस में क्या बच गया 5, तो न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए टू फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, तो क्या हो गया इसका मतलब, 0 आ गया ये, तो ये 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया अपना, यहाँ पर 5 हो रहा था, है ना, तो यहाँ पर 5 आएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं इसमें इसको घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, या ऐड कर देते हैं ना, ऐड कर देते हैं, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा अपना, बी माइनस बी बाई 2 कितना बचेगा बोलो, बी बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा, ये 5 को ऐसा करो वहां ले जाओ, माइनस 5 हो जाएगा तो उधर बचेगा माइनस का 2, तो बी की वैल्यू तो आ रही है माइनस 4, बी की वैल्यू आ रही है माइनस 4, तो यहाँ पुट करोगे माइनस 4 तो कितना बचेगा, प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1, तो a की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 1। अब a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, तो क्या करें अपन, a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे आप आराम से, तो a की वैल्यू माइनस 1 पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा, और माइनस 4 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो याद आ रहा है वो दिन ट्रिग्नोमेट्री का, है ना, तो a sin x + b cos x की अपन रेंज कैसे निकालते हैं, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या होती है रेंज ऑफ ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स फॉर्म की, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 प्लस 16 कितना हो गया 25, 25 अंडर रूट 5, तो आंसर क्या आएगा माइनस 5 से प्लस 5, तो रेंज इज माइनस 5 से प्लस 5। चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है देखते हैं, द वैल्यू ऑफ पी डबल डैश 0,
पी डबल डैश जीरो की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पी एक्स निकालना पड़ेगा पहले। तो एक काम करो आप, पी एक्स निकालना है आपको, क्यूबिक फंक्शन है जो कि, तो पी एक्स निकालने के लिए आप पी एक्स को मान लेते हैं कुछ, क्या मान लें बोलो, पी एक्स को अपन मान लेते हैं स्मॉल ए और बी तो दे रखे हैं तो कैपिटल में मान लो, है ना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब ये क्यूबिक फंक्शन मान लिया आपने, अब इसको यहां पुट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, वन प्लस पी एक्स अपॉन में एक्स होल टू द पावर क्या है इस पूरे के, वन बाई एक्स, और इसमें अपने कुछ लिमिट लगानी है क्या, एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट लगानी है अपने को एक्सटेंडिंग टू जीरो। चलो तो बताओ, एक्सटेंडिंग टू जीरो लिमिट लगाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो हो गई। अच्छा, लिमिट तो पावर तो क्या जा रही है अपना, एक्सपोनेंट जा रहा है, इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पे जो बेस है वो क्या है, वन प्लस, नीचे बेस क्या है, जीरो है, तो पी एक्स भी क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो पी एक्स को टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए बताओ, कर लें सॉल्व फटाफट से। तो क्या आ गया यहाँ से बताओ, जरूर देखो जल्दी से क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये समझने वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान से आप समझो पहले जल्दी से। तो पी एक्स अपॉन एक्स कब टेंड करेगा, जब इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है डी अपॉन में एक्स आएगा, तो लिमिट किसको जाएगी, इन्फाइनेट को, तो अपने को जीरो बाई जीरो की फॉर्म बनानी है, तो वहां पे डी किसको टेंड करना चाहिए, जीरो को। तो पहली बात तो डी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बचा हुआ कौन रह गया बोलो, वन प्लस ए एक्स क्यूब, अब क्यूब की जगह क्या रह जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि एक एक्स कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट क्या बचेगा, बी एक्स, बी एक्स स्क्वायर था, बी एक्स बचेगा प्लस सी एक्स में से सी बचेगा, होल टू द पावर कितना है, वन अपॉन एक्स। अब ये बताओ मेरे को, यदि ये लिमिट फाइनाइट है, मतलब थ्री के इक्वल गिवन है ना अपने को, आर एच एल इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो अब ये बताओ मेरे को, यदि इसको मेरे को लिमिट को एडजस्ट कराना है, तो वन की पावर इन्फिनिट की फॉर्म बननी चाहिए, तो वन की पावर इन्फिनिट की फॉर्म बनेगी बिल्कुल, यदि एक्स जीरो को टेंड करेगा, तो ए और बी तो कोई भी रियल नंबर हो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे सी क्या होना चाहिए, उस केस में जीरो होना चाहिए, तो सी की वैल्यू बी क्या आ जाएगी यहाँ से, जीरो। तो अपने सामने जो फंक्शन बचा है सिर्फ केवल, वो क्या बच गया, पी एक्स जो फंक्शन है वो अभी फिलहाल बचा हुआ है अपने सामने, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर, बस ये बचा है अपने पास फंक्शन, ठीक है ना। अब इसको अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, किसमें क्या, ए और बी फाइंड आउट करने हैं। तो एक बात बताओ मेरे को, अब इसमें आप एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, वन वन प्लस सी की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये आ गया तुम्हारा सामने, तुम्हारे सामने कुछ ऐसा आ चुका है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन प्लस ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स होल टू द पावर वन बाई एक्स, सही है। और ये लिमिट कितनी आएगी बताओ, ये इक्वल टू कितना आना चाहिए, थ्री आनी चाहिए लिमिट, तो बताओ एक्स की वैल्यू जीरो पुट करी तो क्या हो रहा है, वन की पावर इन्फिनिट, और याद है वो दिन जब वन की पावर इन्फिनिट की फॉर्म बनती है, तो अपन क्या करते हैं, उसको वाई मान के दोनों तरफ लॉग लेके ई की पावर में, तो ये जो लिमिट होगी वो इक्वल होगी ई टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो आपने याद किया हुआ है क्या, कि पावर को आप आगे ले आना, तो ये हो गया वन बाई एक्स इंटू जो भी बेस है उसमें से माइनस वन, तो क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बस ये बचेगा। अब एक काम करो, एक्स से डिवाइड कर दो आप, तो क्या बचेगा, ए एक्स प्लस बी, तो ई की पावर क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी, लिमिट किसको टेंड कर रही है, एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ए एक्स प्लस बी में एक्स कैंसिल आउट होने के बाद ए एक्स प्लस बी में एक्स की वो एक्स को जीरो पुट करोगे आप, तो ए एक्स तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल बी बचेगा, तो ई की पावर क्या बचेगा यहाँ पे, बी एंड दैट इज इक्वल्स टू थ्री, ये थ्री के इक्वल है। तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी एल एन थ्री, बी की वैल्यू क्या आ गई, एल एन थ्री, और बी की वैल्यू यदि एल एन थ्री आ गई है, तो फंक्शन आ चुका है मेरे सामने कौन, पी एक्स, तो पी एक्स जो क्यूबिक फंक्शन है वो क्या आ जाएगा बताओ, बी की वैल्यू एल एन थ्री रख दो आप इसमें, और उसके बाद क्या करना है, डबल डैश क्या निकालना था, पी डबल डैश, ठीक है। तो पी डबल डैश निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, आपको कुछ नहीं करना, बस ये जो पी एक्स लिखा हुआ है आपके सामने, इस पी एक्स में आप क्या करो, दो बार डिफरेंशिएट कर लो, तो बताओ पी डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा, पी डबल डैश एक्स ये आ जाएगा आपका थ्री टू जा सिक्स, सिक्स ए एक्स प्लस टू बी, ये बचेगा। अब बताओ इसमें आपका क्या करना है, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो ये तो गायब हो गया जीरो, क्या बचा टू बी, और टू बी की वैल्यू जो आएगी, तो यहाँ से एफ डबल डैश जीरो, मतलब पी डबल डैश जीरो है ना, पी है ये, पी डबल डैश जीरो कितना आ गया बताओ, टू बी, तो बी की वैल्यू कितनी है, एल एन थ्री, तो एल एन थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा नाइन। तो क्या करना है, बी की वैल्यू पुट करनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, पी डबल डैश जीरो की, ठीक है। तो क्या आएगा, टू लॉग थ्री, यानी कि एल एन नाइन ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा। आगे समझ में, देख लो अच्छे से, ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अच्छा सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, मोर देन वन आंसर करेक्ट हैं, तो इसमें अपन ध्यान से थोड़ा करते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट है, और
ए एन माइनस वन प्लस एन स्क्वायर अपॉन वन प्लस एन होल इक्वल टू बी है, वेयर ए इज अ फाइनाइट नंबर, देन यदि ए फाइनाइट नंबर है कोई भी और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है किसके इक्वल है, बी के, तो क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? चलो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि यदि इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले, तो पहले तो एन को इन्फिनिट रखो आप, एन इन्फिनिट रखो तो अंदर तो क्या आएगा, इन्फिनिट आ जाएगा, है ना, ये तो आ गया इन्फाइनाइट। ठीक है, एन एन टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो और ये क्या आ रहा है, इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म बन रही है ना, तो इन्फिनिट माइनस समथिंग बी भी इन्फिनिट चला जाएगा ना, बट ए और बी यदि फाइनाइट नंबर्स हैं, ए और बी यदि फाइनाइट नंबर्स हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लो आप, क्या आ जाएगा बोलो, ए एन स्क्वायर प्लस ए एन माइनस वन माइनस एन स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया, वन प्लस एन। ठीक है, अब बोलो ये किसके इक्वल है, बी के, तो एक काम करें थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा बोलो, ए माइनस वन प्लस क्या बच गया, ए एन माइनस वन अपॉन में कितना आ गया, वन प्लस एन इक्वल टू किसके, बी के, तो अब लिमिट क्या कर रही है, एन को टेंड कर रहा है, एन सॉरी एन टेंड कर रहा है इन्फिनिट को, तो क्या किया जाए बताओ, एन यदि इन्फिनिट को टेंड कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर यदि एन का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट किसको टेंड कर जाएगी, इन्फिनिट को, क्योंकि नीचे क्या है, लीनियर टर्म है एन में, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एन स्क्वायर का जो कोफिशियंट है यदि वो जीरो हो जाएगा तो ये टर्म गायब हो जाएगा, और ऊपर नीचे की जो डिग्री है वो सेम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, आपको जब भी लिमिट इन्फिनिट को टेंड कर रही है, और आपको क्या करना है इसमें, अपने को सॉल्व करनी है लिमिट, तो इन्फिनिट बाई इन्फिनिट की फॉर्म में अपन क्या करते हैं, जनरली सबसे पहले देखते हैं डिग्री क्या है, न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की, है ना, यदि दोनों सेम है तो दोनों का कोफिशियंट का रेशियो होता है वो लिमिट हो जाती है, और यदि ऊपर वाली डिग्री ज्यादा है नीचे वाले से तो किसको टेंड करेगा, वो इन्फिनिट को, और नीचे वाली डिग्री ज्यादा है ऊपर वाले न्यूमरेटर से तब उस केस में क्या करेगा, जीरो को टेंड करेगी लिमिट। तो इसलिए अब क्या करें अपन, एन स्क्वायर को, इसको लिमिट को एडजस्ट कराना है, बी के इक्वल करना है, तो क्या करें अपन, कोफिशियंट ऑफ एन स्क्वायर मस्ट बी जीरो, तो ए की वैल्यू तो आ गई वन, ए की वैल्यू आ गई वन, तो क्या बचा, ए एन माइनस वन अपॉन वन प्लस एन, तो यहाँ पे एन का कोफिशियंट कितना है बोलो, ए, यहाँ एन का कोफिशियंट कितना है वन, तो अपना कितना गया, ए अपॉन वन, तो ए अपॉन वन किसके इक्वल हुआ, बी के, तो ए इक्वल टू क्या आ गया, बी आ गया, तो ए की वैल्यू वन है तो बी की वैल्यू भी क्या रही होगी, वन रही होगी, इसका मतलब क्या हो गया, ए की वैल्यू वन तो बी की वैल्यू भी वन, आ रही है समझ में, तो ये आ गया अपना क्या आंसर, ठीक है ना, ए इक्वल टू एन एंड वन एंड बी इक्वल टू वन। चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर, इफ लिमिट दिस एग्जिस्ट देन ए एंड बी कैन टेक वैल्यूज, तो ए और बी क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, तो एक काम करते हैं अपन, पहले तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, चलो सबसे पहले देखो आप, इसमें जो फंक्शन आ रहा है ना, इसमें ये जो लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या कि ये जो फंक्शन है वो क्या है, जीआईएफ को डिनोट कर रहा है ये, तो ये यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट कर रहा है, तो आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, यदि आपके पास जीआईएफ है और इसके अंदर कोई वैल्यू लिखी हुई है, जिसमें मैंने बोल दिया ये है पी प्लस आई, पी के बारे में मेरे को नहीं पता, बट अपने को पता है कि पी प्लस आई, आई इज एन इंटीग्रल वैल्यू है ना, तो आई एक इंटीजर है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, है ना, तो एक काम कर लेते हैं, पहले तो जो वन और वन है उसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, तो बोलो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, आ जाओ, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन, और ये जो पार्ट बचा टू माइनस एक्स प्लस ए जी आई एफ एक्स माइनस ए प्लस बी जी आई एफ एक्स, ठीक है, और ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या होगा बताओ, पहले तो फटाफट से अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, ये कितना आ गया बोलो, टू माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू जी आई एफ एक्स, सही है ना, मैंने इसमें से और इसमें से क्या ले लिया, जी आई एफ एक्स कॉमन ले लिया, अब मेरे को क्या करना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें क्या हो गया, एल एच एल मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल, तो क्या हो गया इसका मतलब, एल एच एल की बात करूं मैं, तो क्या करेंगे अपन, वन नेगेटिव रख लेते हैं, तो वन से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए, वन से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए एक्स की, है ना, क्या हो जाएगा फंक्शन मेरा बताओ, टू माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस, बोलो जी आई एफ ऑफ एनी फंक्शन विच इज लेस देन वन, है ना, अ वैल्यू विच इज लेस देन वन, वन से छोटी वैल्यू का जी आई एफ क्या होगा, जीरो होगा, तो ये तो कंप्लीट क्या हो गया, जीरो, तो ये तो आ गया आपका जीरो, बचा क्या ये, तो इसका मतलब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, बताओ वन पुट करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा टू माइनस ए प्लस बी, कितना बचेगा, टू माइनस ए प्लस बी,
अब जब आर एच एल निकालनी होगी तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, वन के, वन से जस्ट बड़े नंबर का जी एफ क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी बचेगा तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो जाएगा, बी और बी कितना हो गया टू बी, तो टू बी प्लस टू माइनस एक्स, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू बी प्लस टू माइनस एक्स, और एक्स किसको टेंड कर रहा है वन को, तो वन, तो कितना आ गया ये, सॉल्व कर लो आप जल्दी से, तो ये आ जाएगा आपका मेरे ख्याल से। ऐसा करते हैं दोनों को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू, इसको वहां ले जाओ, वन आ गया है ना, a प्लस बी इक्वल टू कितना आ रहा है, वन आ रहा है ना, तो टू माइनस वन वन, वन बन जाएगा तो माइनस का, तो वन बचेगा, तो a प्लस बी कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो a प्लस बी यदि वन आ रहा है, एक मिनट रुको, ठीक है, टू माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस, ये तो हो गया अपना जीरो, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया अपना वन, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी, तो ए से तो ए कैंसिल आउट हो गया, बी और बी हो गया अपना टू बी, टू बी माइनस एक्स, टू बी माइनस एक्स प्लस टू, ठीक है, तो टू बी प्लस टू माइनस वन आ गया, तो टू से टू कैंसिल आउट हो गया और ये कितना आ गया, वन आ गया, तो ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है अपना, वन आ रहा है, ठीक है, ये तो वन हो गया, तो ए प्लस बी, लेकिन इसमें एक मिनट रुको, यहाँ पर अपन ने जब एल एच एल निकाली थी तो कितना आया था, एक्स की जगह मैंने रखा वन, तो कितना आ गया, टू माइनस ए प्लस बी माइनस वन होगा, है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका मतलब वन बचेगा प्लस वन, समझ में आ रही है बात, टू माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स, और प्लस जीरो तो क्यों हुआ था, क्योंकि जी आई एफ ऑफ वन से छोटा नंबर क्या आएगा, जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक्स, तो इस एक्स में जो लिमिट रखोगे अपन वन, तो वन रखेंगे तो क्या होगा, टू माइनस वन तो आ गया वन, तो वन माइनस ए प्लस बी, और आर एच एल जो आ रही है उसमें जी आई एफ एक्स की मान कितना होगा, अपना वैल्यू कितना होगा, वन होगा, तो वन इंटू ए प्लस बी कितना हो गया, ए प्लस बी, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बी और बी हो गया टू बी, और एक्स की जगह रखेंगे अपन वन, तो ये माइनस का वन, तो टू माइनस वन कितना आ गया, वन आ गया, तो ये आ गया अपना वन, तो इसका मतलब हो गया टू माइनस वन, तो ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया पूरा, तो ये तो अच्छा कॉन्स्टेंट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या आ रहा है, जीरो आएगा ये, तो ए प्लस बी कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और ए प्लस बी यदि जीरो आ रहा है तो अपन ये कह सकते हैं दोनों नंबर का सम जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए विद अपोजिट साइन, तो ए प्लस बी इक्वल जीरो इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे, सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होंगे, ठीक है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इक्वल टू दिस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देन, मतलब अपने को जो फंक्शन दे रखा है जो एफ एक्स है वो मैक्सिमम कितनी बार कितनी जगह डिसकंटिन्यूस हो सकता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने के लिए एक बात आप सोचो, पहले तो ये जो सिग्नम फंक्शन है, ये जो सिग्नम फंक्शन है ये क्या क्या आउटपुट देता है और क्या क्या इनपुट लेता है, सिग्नम फंक्शन का जो डोमेन होता है वो तो क्या होता है, ऑल रियल नंबर, बट इसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, प्लस माइनस वन इंक्लूडिंग जीरो, तो जीरो वन माइनस वन, तो आउटपुट जो आएगी इसकी वो क्या सकती है, जीरो वन और माइनस वन, वो कब कब आएगी, जब अंदर वाला जो इनपुट है वो ग्रेटर देन जीरो होगा तो प्लस वन आएगा, लेस देन जीरो होगा तो माइनस वन आएगा, और जीरो पर क्या आएगी, आउटपुट जीरो आएगी सिग्नम फंक्शन की। तो एक काम करते हैं ना अपन, यदि अपने को पता है इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो जाए तो एक ही आउटपुट आएगी प्लस वन, यदि ऑलवेज नेगेटिव हो जाए तो माइनस वन आउटपुट आएगी सिर्फ, और ये जीरो के इक्वल कर दूंगा तो क्या आएगी, जीरो आ जाएगी आउटपुट, बट मेरे को क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने हैं, तो एक काम करते हैं मैं छोटा सा, इसका जो डी है, ये जो क्वालिटी है इसका डी यदि ग्रेटर देन जीरो कर दूं मैं, तो उस केस में क्या होगा, डी यदि ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके दो रियल रूट हैं, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, अपने को क्या देगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा, तो एक काम कर लेते हैं मैं छोटा सा बस, इसका जो फंक्शन का डी है, जो क्वालिटी का डी है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो डी क्या आएगा इसका, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ए माइनस टू इंटू ए प्लस टू आ गया फैक्टराइजेशन इसका, इसका तो ये कितना आ गया, ग्रेटर देन जीरो, तो अब आपको पता है दो लीनियर फैक्टर्स हैं और ग्रेटर देन जीरो है, तो आंसर क्या आएगा इसका, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से छोटा वाला यूनियन बड़े से इनफाइनाइट, टू से इनफाइनाइट, ये आ गया, तो माइनस इनफाइनाइट से छोटू माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट, तो क्या आंसर आ जाएगा, इसका मतलब एक ही रेंज आएगी वो आएगी माइनस इनफाइनट से माइनस टू यूनियन टू से इनफाइनाइट, है ना, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है, बात आ गई समझ में ना, जितने मैक्सिमम अपने को है ना आउटपुट मिलेंगे उतने ही क्या होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एक बार माइनस वन आउटपुट देगा फिर उसके बाद अपने को क्या मिलेगा डिसकंटिन्यूटी, है ना, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फोर्थ। यदि एफ एक्स बराबर ऐसा ऐसा है तो ये कह रहा है आपसे पूछ रहा है एफ एक्स के बारे में, क्या पूछ रहा है, डिफरेंशियबल और कॉन्टिन्यूटी के बारे में, अच्छा ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे बताओ, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चेक करवा रहा है कहाँ पर, ये वन पर और टू पर,
तो एक काम करते हैं, पहले तो आप 1 पर और 2 पर इसको ब्रेक कर लो, है ना, 1 पर, 2 पर तो ऑलरेडी ब्रेक है, तो 1 पर और ब्रेक कर लो। तो एक काम करता हूँ, मैं यहीं से इसको लिख देता हूँ, है ना। तो चलो आ जाओ, ठीक है। चलो तो अब शुरू अपन कर लेते हैं इसका, इसको डिफरेंशिएट, मैं इसको यहीं पे ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर सिग्नम जी आई एफ एक्स। तो ये जी आई एफ है और ये क्या है अपना, फ्रैक्शनल पार्ट है। तो एक काम किया जाए, इसको ब्रेक कर लेते हैं अपन 0 से 1 में और 1 से 2 में। तो बताओ क्या आएगा फंक्शन, जब मैं बात कर रहा हूँ 1 से छोटे नंबर की, तो 1 से छोटे नंबर में क्या होगा जी आई एफ, 1 से जस्ट छोटे नंबर का जी आई एफ क्या होगा बोलो, 0। और सिग्नम 0 का वैल्यू कितना होगा, 0। और यहां पर जी आपको पता है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं यहां पे एक चीज छोटी सी। यदि आप फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात करोगे तो इसमें आपको पता है जो ग्राफ बनता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का वो क्या बनता है, ऐसे बनते हैं बैलून्स बनते हैं हवा में, है ना। पहली बात 0 से लेके वैल्यू 1 के बीच में है, तो वाई इक्वल टू फंक्शन क्या आता है, एक्स आता है जी एफ फ्रैक्शनल पार्ट का। और अब इसको ये ऐसे आएगा, है ना, और जब 1 से 2 के बीच में वैल्यू होगी तो इसका जी एफ जो होगा वो क्या आएगा बताओ, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहां पे क्या जाएगा x y इक्वल टू x माइनस 2। अब मेरे को एक बताओ, आप जब वैल्यू 1 से छोटी है x की, तो 1 से जस्ट छोटी वैल्यू के लिए सिग्नम x सिग्नम g f x कितना आ गया अपना, 0 आ गया। समझा गया ना क्यों आ गया 0, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो इसका g f 0 और सिग्नम 0 की वैल्यू 0। और फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 0 से 1 के बीच में, 1 से जस्ट छोटे नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, y बराबर x। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर इंटू एक्स आ गया। अब बताओ मेरे को 1 से 2 के बीच में क्या होगा, तो बताओ 1 से जस्ट बड़े नंबर का जी आई एफ कितना होगा, 1 होगा, और सिग्नम 1 का वैल्यू कितना होगा, 1। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ गया 1। और बताओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के बारे में मेरे को, तो 1 से जस्ट बड़े के लिए ना, 1 से जस्ट बड़े के लिए क्या होगा, कौन सी ब्रांच आएगी, ये वाली ब्रांच आएगी। इस ब्रांच पे क्या है फंक्शन वैल्यू, वाई बराबर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 1। तो 1 से तो 1 कट गया, तो क्या बच गया, ये एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब आ रहा है और ये भी एक्स क्यूब आ रहा है। तो अपन एक काम करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पूछ रहा है, तो आराम से आप निकाल सकते हो। कैसे, कंटिन्यूटी चेक करनी है तो 1 से पहले कितना आ रहा है बताओ, 1 पर वैल्यू 1 आ रही है, 1 से जस्ट बड़े के लिए आ रही है 1 आ रही है, तो इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। अब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो क्या होगा बोलो, सीधे डिफरेंशिएटेड कर लेते हैं ना, यदि कंटिन्यूअस है फंक्शन तो 3x² और ये भी 3x², तो सेम ही आएगा, वो भी कितना कितना 3 3, तो LHD RHD भी इक्वल आ रही है और LHL RHL इक्वल आ रही थी, तो कंटिन्यूअस भी था और उसके बाद डिफरेंशिएबल भी है। तो 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल है, ये कह सकते हैं सिंपल सा अपन। तो पहला ऑप्शन सही है। और क्या चेक करना है, 2 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो एक काम करो आप 2 पर चेक करने के लिए क्या करोगे, 2 से जस्ट छोटे नंबर के लिए सिग्नम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, जी आई एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, और 1 पर कितना हो जाएगा ये सिग्नम 1, तो ये आ गया 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स के बारे में बताओ, 2 से जस्ट छोटे के लिए क्या होगा, 2 से छोटे के लिए आएगा वाई माइनस एक्स। तो इसको लिख लूँ मैं, लिख लूँ इसको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको भी लिख लेते हैं अपन, है ना। चलो इसी को यहीं पे लिख दूँ मैं, 2 से छोटे के लिए, तो कितना आ रहा है ये एक्स स्क्वायर इंटू सिग्नम में, तो कितना आ रहा था, 1 आ रहा था क्या, 1 सिग्नम 1, बिल्कुल 1 आ रहा है। और 2 से जस्ट छोटे के लिए ये आ रहा है एक्स माइनस 1, ये आ रहा है एक्स माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये एक्स क्यूब बचा आपका। अब बताओ 2 से जस्ट बड़े के लिए, 2 से जस्ट बड़े के लिए क्या होगा बोलो, ये साइन एक्स है, अच्छा इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो 2 से 4 में, तो एक काम करो आप 2 पे चेक करनी है आपको, तो बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आ गया एक्स क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना आ गया अपना, क्वान्टिटी चेक करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चेक करनी है। तो बताओ एक्स इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो LHL तो आ रहा है 8, LHL आ रहा है अपना 8, किस पर, 2 पर, और RHL कितना आएगा बताओ, 2 माइनस 3, तो माइनस का 1, तो ये आ गया 1, तो साइन एक्स साइन 2 प्लस 1 नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, डिस्कंटिन्यूस आ रहा है, तो फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2, और डिस्कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो चलें आगे, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। हाँ भाई देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में शुरू करते हैं अपन। क्या कह रहा है, कंसिडर द फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स सैटिस्फाइंग द कंडीशन दिस। तो एक काम करो, पहले तो आप इसको चेंज कर लो थोड़ा सा, क्या कर लोगे, एफ ऑफ x प्लस 1 अपॉन x को आप मान लो y, क्या मान लो x प्लस 1 अपॉन x को y,
तो ये क्या बन जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस टू हो गया, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को आप, आपने जो y माना है तो ये आपको बताना चाहिए x नॉट इक्वल टू जीरो के लिए, यहां पे उसकी रेंज आती है x प्लस वन अपॉन x की, वो क्या आती है माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी आती है, नहीं आती है? बिल्कुल आती है। अच्छा अब मेरे को आप ये बताओ कि एफ एक्स की आपसे क्या पूछा है, वो रेंज ये आ गई क्या, y की रेंज आ गई। अब ये y की रेंज आ रही है अपनी, है ना। अब ये बताओ मेरे को आप, मैं यदि एफ वाई के बारे में आपसे पूछूं कि एफ वाई की रेंज क्या होगी, तो y का स्क्वायर हो रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 4 से इन्फाइनाइट आ जाएगा। तो 4 से इन्फाइनाइट माइनस ये रेंज है ना एफ वाई का, माइनस क्या करना है अपने को 2, तो माइनस 2 करेंगे तो कितना बचा 2 से इन्फाइनाइट। तो जो एफ वाई की रेंज आएगी यानी कि एफ एक्स की जो रेंज बनेगी अब वो क्या बनेगी 2 से इन्फाइनाइट। तो एक तो रेंज अपने पास आ गई 2 से इन्फाइनाइट। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ डोमेन की। तो एफ एक्स का डोमेन का मतलब क्या हो गया, एफ एक्स का डोमेन का मतलब हो गया कि इसके अंदर अपन वाई क्या क्या रख सकते हैं। तो वाई में क्या क्या पुट कर सकता हूँ, माइनस इन्फिनिट से लेके माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिट पुट कर सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि जो वाई है वो हो गया क्या, वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस टू से टू ओपन इंटरवल में। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये क्या कह रहा है, इफ एफ इज अ फंक्शन आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एफ एक्स इज ऑन टू। तो एफ एक्स ऑन टू है, ऑन टू होना चाहिए इसके लिए, अल्फा की रेंज आपसे पूछ रहा है, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या किया जाए। तो अल्फा के वो सारे मान आप निकालो जिनके लिए एफ एक्स कैसा होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। तो फंक्शन ऑन टू होने के लिए बताओ क्या होता है कंडीशन अपना, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो यहाँ जो कोडोमेन है वो क्या है इसका, ऑल रियल नंबर। तो कोडोमेन यदि ऑल रियल नंबर है तो इसका मतलब रेंज भी क्या आनी चाहिए, ऑल रियल नंबर आनी चाहिए। और रेंज क्वालिटी का अपन, क्वालिटी की रेंज ऑल रियल नंबर कब आती है बताओ, जब इसमें कोई भी कॉमन रूट नहीं होना चाहिए, ना तो सिंगल कॉमन रूट हो ना ही दोनों के दोनों रूट कॉमन हो, तभी रेंज क्या होगी, आर होगी इसकी। तो एक काम करते हैं, इसको आप वाई मान लो, क्या मान लो वाई, और दो काम आप पहले कर लो इसमें, क्या कर लो, एक तो इसमें सिंगल कॉमन रूट और एक टू रूट्स आर कॉमन, दोनों कंडीशन लगा दो जिससे कि आपको बाद में दिक्कत नहीं आए, है ना, कि कौन कौन सी वैल्यू अपने को नहीं लेनी है। तो जब दोनों रूट्स कॉमन होंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे अल्फा अपॉन में कितना आ गया माइनस एट इक्वल टू सिक्स अपॉन में कितना आ गया सिक्स इक्वल्स टू माइनस एट अपॉन में आ गया अल्फा। तो यहाँ से क्या आ गया, अल्फा बराबर आ गया, एक तो सॉल्व कर लोगे तो अल्फा बराबर एक तो आ गया माइनस एट, तो यहाँ से तो आ गया अल्फा बराबर माइनस एट। और दूसरा, दूसरी कंडीशन अपन बात करें, वन रूट इज कॉमन, तो वन रूट कॉमन के लिए क्या करोगे आप, दो हैं आपके पास, एक ये है और एक ये है, दोनों में निकाल लोगे दोनों का कॉमन रूट जो भी होगा, सिंगल रूट कॉमन की कंडीशन लगा के निकाल लोगे। अब आपको क्या करना है इसमें, जब y इक्वल टू मानोगे तो इसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा माइनस का 8y और ये, तो अल्फा मैं आपको थोड़ा सा लिख दूं पहले, है ना, इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस x में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ मैं, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दिया और इधर ले आया प्लस 6y, माइनस का 6y हो जाएगा, तो 6 माइनस 6y इंटू में x आ जाएगा माइनस का 8 माइनस में अल्फा वाई आ जाएगा इक्वल टू क्या बच गया 0, ये आ गया। अब x बिलोंग्स टू क्या है इसमें, r, x बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो d है वो क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो कुछ नहीं करना आपको, d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो। तो d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो क्या हो जाएगा अपना, अल्फा में एक इक्वेशन बन, y में एक इक्वेशन बन जाएगी, और y में जो इन इक्वेशन बनेगी उसको वो क्या आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वहां से फिर क्या होगा, उसका जो d होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कोई भी क्वाड्रेटिक होती है, एक्चुअल में इस क्वेश्चन के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट आना चाहिए, कौन सा, रेंज वाला, है ना, कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक की, लीनियर अपॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये जो आपने पढ़े हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन को करने में आसानी रहेगी। तो अगली बार क्या होगा, जब कोई भी क्वाड्रेटिक आपको पता है, ये आएगा क्वाड्रेटिक इन y, ये y में एक द्विघात आएगी, तो वो यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो उसका जो d होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा, और d लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो वहां से अल्फा की जो रेंज है वो आ जाएगी आपकी 2 से 14। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें 2 और 14 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, जब सिंगल रूट के लिए कंडीशन लोगे आप तो 2 और 14 नहीं लेने हैं, तो इसमें कुल मिला के ऑप्शन आएंगे आपके सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो ये काम करना मत भूलना, कौन सा, सिंगल रूट इज कॉमन एंड बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, 7th मतलब सेक्शन डी। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच दिस इक्वल टू दिस। तो एक काम करो आप, पहले तो
आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप ये बताओ मेरे को इस क्वाड्रेटिक का, इस क्वाड्रेटिक के बारे में मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि इस क्वाड्रेटिक का डी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है। डी यदि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑलवेज कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉजिटिव। यदि क्वाड्रेटिक का कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और यदि कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है बट डी ऑलवेज क्या है, नेगेटिव, तब वो कैसा होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा क्वाड्रेटिक, है ना, ये ध्यान रखो। तो इसकी वैल्यू हमेशा कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो मॉड लगाओ चाहे मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधे सीधे पहले वाला जो मॉड है अंदर वाला वो खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस फोर, माइनस में टू करोगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बचेगा। अब इस पर एक मॉड आ गया, अब फिर से आप इसका डी चेक करो, अभी ये डी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर सी कितना आएगा, माइनस सेवन, बिल्कुल माइनस सेवन, तो डी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब अगेन ये कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाला भी मॉड आप हटा दो तो क्या बचेगा, माइनस का थ्री और आ जाएगा आगे, तो कितना बन गया अब इस बार, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री का मॉड, और ये किसके इक्वल है अपना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व के। अब ये इसके इक्वल है तो अब आप एक काम करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस थ्री, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना, दोनों ही रूट्स आ सकते आएंगे ना, डी क्या आ रहा है इसका, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है ना, तो कुछ मत करो आप, तो सीधे सीधे क्या करो, इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या आ गए अपने, एक्स माइनस एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री आ गए। तो आप तो कुछ मत करना, अपनी जो रेंज देखो, एल एच एस कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव है ना, मॉड लगा हुआ है ना, इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव आएगी ये एल एच एस, तो आर एच एस भी क्या आनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव आनी चाहिए। और इसमें आपका जो फैक्टर्स आएंगे, पॉजिटिव वाला पार्ट आएगा वो कौन सा आएगा बताओ, प्लस माइनस प्लस, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनेट से माइनस फोर यूनियन थ्री से इन्फाइनेट, इस रेंज में आना चाहिए अपना जो आंसर आना चाहिए ना, अपना जो आंसर निकाल लो, आप इस मॉड को हटाओगे प्लस माइनस लगाओगे दोनों आंसर आएंगे आपके, उसके बाद आप इसमें चेक करोगे कौन सा इंटरवल आपका सही है, तो इसको आप चेक कर लेना आराम से, ठीक है ना, कर लोगे चेक। तो ये क्या पूछ रहा था, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 11 अपॉन 3 या जो भी आ रही है ना, सॉल्व कर लोगे आप, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा इस केस में, ठीक है, चलें आगे। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या करेंगे, ए दे रखा है बी दे रखा है अपने को, ठीक है, और कह रहा है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन पूछ रहा है, तो एक काम करो, एन है, एन गिवन है अपने को नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन क्या होते हैं अपने, जिसमें कोडोमेन इक्वल टू क्या हो जाए अपनी रेंज, तो एक काम करो आप, पहले तो ए और बी सेट बना लिए मैंने, फंक्शन डिफाइन कर दिया ए से बी, ये ए और बी, तो 1 2 3 4 और ये 1 और 2, तो अब बताओ ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए पहले मैं क्या करूँ, ऐसा करते हैं अपन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं पहले ना, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या हो जाएंगे बताओ, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएंगे अपने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने डिफाइंड होंगे बोलो, 1 को कितने एलिमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं आप, 2 2 2 2, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 है ना, m की पावर n आपने याद कर रखा होगा, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो गए। अब आपसे पूछा जाए इनटू फंक्शन कितने होंगे, इनटू का मतलब क्या हो गया, उसमें कम से कम एक एलिमेंट खाली रह जाएगा इसमें कोडोमेन में, तो कम से कम एक एलिमेंट खाली रह जाए, तो 2 ही एलिमेंट है, तो बड़े आराम से अपन सोच सकते हैं इसमें, तो 2 को खाली छोड़ दिया मतलब 4 को इससे ज्वाइन करा दिया आपने, तो एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा बन सकता है, सब सारे सारे इससे ज्वाइन हो जाए, ठीक है ना, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, तो माइनस नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, तो कितना हो जाएगा, 14 आ गया, तो ये क्या गया, एन की वैल्यू क्या पूछ रहा है आपसे, एन बाई टू, तो कितना आंसर आ जाएगा, 0 7, एन बाई टू कितना हो जाएगा, 0 7 हो जाएगा। अच्छा, तक फलनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7, है ना, कर लोगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स इज एन ऑड, ठीक है ये ऑड फंक्शन है, और एफ वन की वैल्यू दे रखी है अपने को 3, एंड एफ ऑफ एक्स प्लस टू बराबर है एफ एक्स प्लस एफ टू, देन द वैल्यू ऑफ एफ थ्री, तो फंक्शन इक्वेशन अपने को पता है क्या करते हैं अपन, वैल्यूज रख के देखते हैं और वहां से जो इक्वेशन मिलती है उनसे अपन वैल्यू निकालते हैं, तो एफ थ्री की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, एक काम करो, इसकी वैल्यू रख लो, है ना, तो एफ ऑफ 1 दे रखा है अपने को 3, तो आप एक काम करो 1 ही रख दो इसमें पहले, है ना, तो 1 प्लस 2 इक्वल टू एफ 1 प्लस एफ 2, तो एफ 1 की वैल्यू तो अपने को दे रखी है बट एफ 2 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो एक काम करते हैं एफ 3 भी निकालना है, तो एक काम करो आप x की f की वैल्यू रखो -1 पहले, x की वैल्यू रखो आप -1, तो इससे यहाँ पे पता क्या होगा, यहाँ जब -1 रखोगे तो यहाँ तो 1 बचेगा और यहाँ पे f ऑफ क्या आ गया -1 और प्लस में क्या है f2, अब जो इन्होंने दिए रखा था ना अपने, वो गिवन था, उसका यूज हो जाएगा कि fx कैसा है, ऑड फंक्शन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑड है कोई फंक्शन, तो इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ -1 लौट के क्या आ जाएगा, -f1, है ना, f ऑफ -x इक्वल टू क्या आता है, f -fx, यदि फंक्शन कैसा है ऑड, तो एक काम करते हैं f1 को धर ले आओ,
तो एफ वन की वैल्यू आ गई यहां से, एफ टू की वैल्यू क्या आ गई कह सकते हैं, एफ टू की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, टू एफ वन, तो एफ टू की वैल्यू थी टू एफ वन है, और एफ वन की वैल्यू कितनी है थ्री, तो आराम से कर लोगे, टू थ्री या सिक्स, सिक्स प्लस थ्री नाइन, तो आंसर कितना आएगा, नाइन आएगा, कर लोगे आराम से सॉल्व। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ, इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू थ्री पाई बाय टू, देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ए क्या है अपना ग्रेटर देन वन है, वो सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड ये गिवन है थ्री पाई बाय टू, आपको पता है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स जेड, इन तीनों की यदि अपन मैक्सिमम वैल्यू ले लें, क्या क्या, पाई बाय टू, पाई बाय टू, पाई बाय टू, तब जाकर कहीं ऐड होके क्या आएगा, थ्री पाई बाय टू आएगा, इसका मतलब इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन व्हेन ईच टर्म इज इक्वल्स टू कितना हो, पाई बाय टू, आ रही बात समझ में, और ये पाई बाय टू कब होगा, जब एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू क्या होगी, वन 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 होगी, तो एक्स वाई जेड तीनों यदि वन 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 आ जाएंगे, तो यहाँ पे वन 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 रख दो आप एक्स वाई जेड की जगह, तो वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया थ्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में वन प्लस वन प्लस वन कितना हो गया थ्री, इक्वल टू कितना है टेन ए अपॉन थ्री, तो टेन ए अपॉन थ्री, इसको आप सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक को, आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी वन और एक आएगी नाइन, तो इसका आंसर नाइन आपको रखना है, क्योंकि ये कह रहा है ए इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इफ टेन इनवर्स टू प्लस टेन इनवर्स थ्री दिस इक्वल टू दिस, देन वैल्यू ऑफ मोड ऑफ थ्री लैम्डा इज, तो पहली बात तो ये कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला जब भी अपन लगाएंगे, जब भी यूज करेंगे प्रॉपर्टी, तो अपन को एक बात ध्यान रखनी है, यहां पर जो एक्स और वाई है, यहां पर जो एक्स और वाई है उसमें खास ध्यान रखना है आपको, कि जब भी अपन ब्रेक करते हैं ना, जब भी मतलब ब्रांच का आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पर टू इंटू फोर जो आ रहा है वो ग्रेटर देन वन है ना, ग्रेटर देन वन आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि अपन को टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, पाई प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, तो कितना आ गया ये, पाई प्लस टेन इनवर्स टू सिक्स अपॉन माइनस सेवन, ये आ गया, माइनस एन को बाहर निकाल लो, तो पाई माइनस कितना हो जाएगा ये, टेन इनवर्स सिक्स अपॉन सेवन आ गया, इक्वल टू में क्या चल रहा है ये, कॉट इनवर्स लैम्डा, अपने को लैम्डा निकालना है ना, तो एक काम करो आप टेन को चेंज करो कॉट में, तो बताओ टेन इनवर्स सिक्स अपॉन सेवन को अपन क्या लिख लेंगे, कॉट इनवर्स सेवन अपॉन सिक्स, तो कॉट इनवर्स सेवन अपॉन सिक्स लिख लोगे आप इसको, और माइनस साइन तो बाहर है ही, पाई माइनस कॉट इनवर्स सेवन अपॉन सिक्स आ गया, और पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा क्या होता है बताओ, कॉट इनवर्स माइनस थीटा, तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस सेवन अपॉन सिक्स कितना आ जाएगा, लैम्डा, कॉट इनवर्स कितना बन जाएगा ये, माइनस का सेवन अपॉन सिक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉट इनवर्स लैम्डा, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस सेवन अपॉन सिक्स, अपने को क्या करना है, मॉड ऑफ सिक्स लैम्डा लेना है, तो इसका मॉड लेके क्या कर दो, सिक्स से मल्टीप्लाई, नहीं थ्री करना है सॉरी, तो थ्री से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपका सिक्स, थ्री टू जो सिक्स, जीरो पॉइंट फाइव आ गया ना, सेवन अपॉन टू यानी कि टू थ्री जो सिक्स, थ्री पॉइंट फाइव आ गया, इसका मतलब है ना कितना आ रहा है, थ्री पॉइंट फाइव आ रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थ्री पॉइंट फाइव आएगा, ये आपके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स में क्या कह रहा है, दी वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स दिस, कोसेक इनवर्स दिस, ओके, तो सीरीज का जब भी सम करना हो तो आप इसको सोचें कन्वर्ट कर लूँ मैं टेन इनवर्स में ना, कैसे भी करके, फिर सिग्मा लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे अपन आराम से, है ना, तो पहले एक बात बताओ, कोसेक इनवर्स रूट फाइव है, तो इसको आप चेंज तो कर लोगे आराम से, इसको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्या लिख लोगे बताओ, ये हो जाएगा टेन इनवर्स, कितना हो जाएगा बताओ, कोसेक की, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, रूट फाइव अपॉन वन, तो टेन इनवर्स में कितना आ जाएगा ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी क्या हो गया, वन अपॉन टू, तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, वन बाई टू आ जाएगा, कर लोगे ना ये लगा आराम से आप ट्रायंगल बना के। नेक्स्ट कोसेक इनवर्स 64 है तो कितना, 65 है तो क्या हो जाएगा, 64 और 1, तो उसका मतलब कितना हो गया, टेन इनवर्स 1 अपॉन 64 यानी कि 8, एक और लिख लेते हैं, टेन इनवर्स ये कितना हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन कितने का होता है, 18 का स्क्वायर होता है, 324 है ना, अप टू कहाँ तक जा रहा है ये, इन्फाइनिट तक, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या निकालोगे इसका आप, जनरल टर्म, तो टी आर बताओ कितना आ गया इसका, टी आर आ जाएगा, टी आर आ जाएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन, यहाँ 2, यहाँ 8, वहाँ 18, तो ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 2 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ हो रहा है 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ हो रहा है 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो एक काम करो आप, इसको आप लिख दो 2 इंटू आर का स्क्वायर,
बोलो गलत तो नहीं कह रहा, यदि अपने को जनरल टर्म आरएट टर्म निकालना है इसका, तो आरएट टर्म क्या आएगा इसका, फर्स्ट टर्म क्या था 1 का स्क्वायर आ रहा था, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर आएगा, थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा 2 * 3 का स्क्वायर, तो आरएट टर्म में क्या होगा 2 * r का स्क्वायर, तो यहां पे क्या लिख दिया मैंने 2 * r का स्क्वायर, तो दिस इज द जनरल टर्म। अब इसको मेरे को क्या करना है, सम करना है किसका, अप टू इनफिनिट टर्म्स, तो क्या करो पहले आप सम ऑफ n टर्म्स निकाल लो, क्या हो जाएगा बोलो, सिग्मा tan इनवर्स 1 अपॉन 2 r स्क्वायर, और r की वैल्यू कहां से कहां तक लेनी है अपने को, 1 से लेकर n तक। अब इसको आप सिंपलीफाई करना है, आपको कैसे करना है आपको पता है, सबसे पहले क्या करोगे आप इसको ब्रेक करोगे किसमें, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b की फॉर्म में, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, r इक्वल टू क्या है 1 से लेकर n तक, tan इनवर्स इसको आप क्या करो पहले 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 4r स्क्वायर, और 4r स्क्वायर में क्या कर दो आप प्लस माइनस 1, 4r स्क्वायर आ जाएगा और 4r स्क्वायर में क्या कर दो प्लस माइनस 1, 1 ऐड कर दो और 1 इसमें से घटा दो आप, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी सी क्यूट सी फॉर्म आ जाएगी आपके सामने, बहुत सुंदर सा प्यारा सा है ना फॉर्म आएगा, और वो फॉर्म क्या आएगी देखो ध्यान से, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हो आप 2r माइनस 1 इंटू 2r प्लस 1 लिख सकते हो, और ऊपर वाला जो 2r है वो डिफरेंस है इन दोनों का, किसका 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 का, तो यहां पे आप लिख सकते हो 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, ठीक है। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 हो जाएगा, तो अब ध्यान से देखो ये जो फॉर्म है क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स, फॉर्मूला बन गया आपका tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, सही है ना, tan इनवर्स ये क्या है x माइनस y अपॉन में 1 प्लस xy, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका। तो इसको मैं दोबारा से लिखता हूं, है ना, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन एक बार, ठीक है चलो यही लिख लेते हैं, चलो तो ये आ रहा है आपका tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1, और ये क्या है अपना सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, दिस इज योर sn, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स अपने को निकालना है इन्फिनिट टर्म्स का सम, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे जब 1 रखोगे आप तो क्या आ जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा 1 पर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है tan इनवर्स 2r माइनस 1 है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताओ 2 रखेंगे तो tan इनवर्स यहाँ 5 आएगा, और यहाँ पर कितना आने वाला है 3, ऑड नंबर्स आएंगे सारे सारे, ठीक है ना, और लास्ट में क्या आ जाएगा tan इनवर्स यहाँ पे आएगा 2n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 2n माइनस 1, ठीक है। अब क्या होगा ये जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाले से, तो बचेगा क्या सेकंड लास्ट और सेकंड, ये सिस्टम है सीधा सा ना, सेकंड लास्ट बच रहा है तो सेकंड बचेगा, सेकंड और सेकंड लास्ट बचेगा, या फर्स्ट ऑफ लास्ट बचता है ना। बोलो एस एन कितना आ गया, ये आ गया। अब ये बताओ मेरे को tan इनवर्स ऑफ 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 की वैल्यू तो कितनी हो गई आपकी, ये तो वैल्यू आ गई पाई बाई 4, सही है, और ये वैल्यू नहीं पता है ना, तो एस एन तो निकालना ही था, निकालना क्या था आपको इन्फिनिट टर्म्स का सम, तो इन्फिनिट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा बोलो एस इन्फिनिटी इक्वल टू हो जाएगा, लिमिट यूज कर लो आप एन टेंडिंग टू इन्फिनिट, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिट आ जाएगा आपका पाई बाई 2, और ये कितना है पाई बाई 4, तो सॉल्व कर लोगे आप आराम से कितना आ रहा है ये पाई बाई 4 आ गया, तो एस इन्फिनिट क्या इतना पाई बाई 4 आ रहा है, तो इसका जो सम है वो कितना आ रहा है पी पाई बाई 4 आ रहा है, और पी यदि पाई बाई 4 है तो 2 पी कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी सॉल्व करोगे तो 3.14 डिवाइड बाई 2 1.57 होता है, तो सॉल्व कर लोगे इसको आराम से आप, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉस इनवर्स एक्स लाइंग बिटवीन 0 टू 1 0 एंड 1, तो इसका जो समय वो 2 है, तो बताओ 2x का वैल्यू कितना होगा, तो एक काम करो आप पहले एक काम करो आप यहां से क्या आ गया अपना कॉस इनवर्स एक्स यदि 0 से 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और कॉस 1 की वैल्यू तो कॉस 1 ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी कॉस 1 से बड़ी, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना कॉस, तो कॉस x लाई करेगा कॉस 0 से कॉस 1 के बीच में, यानी कि 1 से छोटा होगा और कॉस 1 से बड़ा होगा। आगे इसका सम पूछ रहा है आपसे, तो ध्यान से देखो तो क्या बन रही है जीपी बन रही है, जीपी के इन्फिनिट टर्म का सम क्या होता है 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r, a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 1 माइनस r, रेडियस के कॉमन रेशियो कितना है इसका बताओ, कॉमन रेशियो आएगा साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना है 2, इसको सॉल्व कर लो आप, तो इसको वहां लेके जाओगे 2 को इधर ले आना, तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, यानी कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना आ रहा है 1 अपॉन 2, कितना आ रहा है 1 अपॉन 2 आ रहा है, तो साइन ऑफ कॉस इनवर्स x आ रहा है 1 अपॉन 2। तो अब अपने को क्या चाहिए 1 अपॉन 2 वैल्यू आ रही है, तो साइन में वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 6 की होती है, तो इसका अपना जनरल फॉर्मूला
कॉस इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू अल्फा, यानी कि पाई बाई सिक्स, लीस्ट एंगल कितना आ गया पाई बाई सिक्स। अब कुछ नहीं करना आपको, एन की वैल्यू रखनी है, और एन की वैल्यू रखेंगे अपन तो सबसे पहले क्या रख लें अपन, जीरो रख लें, तो एन के लिए जीरो रखोगे तो कितना आएगा, जीरो पर ही तो जीरो हो गया, यहाँ जीरो रखे तो ये वन आ गया पाई बाई सिक्स, तो एक तो एंगल आ रहा है सबसे पहले पाई बाई सिक्स, और कॉस पाई बाई सिक्स की वैल्यू कितनी होगी, रूट थ्री बाई टू, तो एक तो एक्स की वैल्यू आ रही है रूट थ्री बाई टू। क्या ये लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, इस रेंज में चेक कर लेना आप आराम से, है ना। उसके बाद एन की वैल्यू आप वन रखना, तो वन रखोगे तो क्या हो जाएगा पाई प्लस नहीं पाई माइनस पाई बाई सिक्स, और पाई माइनस पाई बाई सिक्स कितना आएगा बोलो, फाइव पाई बाई सिक्स, वो इस इंटरवल से बाहर चला गया। उसके बाद क्या करोगे आप, एन की वैल्यू माइनस वन रख के देख लो, तो माइनस वन पे भी बाहर जा रहा होगा इंटरवल से, है ना। तो ए की वैल्यू आएगी रूट थ्री बाई टू, तो आपसे पूछ क्या रहा है ये, एक्स की वैल्यू बताओ, टू एक्स पूछ रहा है आपसे, तो टू एक्स कितना हो जाएगा बोलो, रूट थ्री आ जाएगा, तो रूट थ्री का मतलब कितना हो गया 1.73, आंसर क्या आएगा 1.73 आ जाएगा, ठीक है। दो ही डेसिमल प्लेस तक करना है आपको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, ठीक है। फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस, इसका आपको फंडामेंटल पीरियड निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, आप ध्यान से देखो, तो जी आई एफ एक्स है, और साथ में लास्ट में लिखा हुआ है माइनस का एन इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू इंटू एक्स, तो आप क्या करो इसको ब्रेक कर लो, किसको, एन इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू इंटू एक्स इसको, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा ये ध्यान से देखो, तो आप क्या लिखा हुआ है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉइंट टू क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, पहली एन प्राकृत संख्याओं का योग होता है, तो क्या हो जाएगा यहां से वन प्लस टू प्लस थ्री कहां तक बोलो, एन तक अपॉन में कितना, बस ये आ गया इंटू एक्स, इन सब नेचुरल नंबर्स का सम है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, और सारे किसमें हैं, नेगेटिव के साइन के साथ हैं, तो आप ध्यान से देखो तो क्या होगा, जब एक्स का आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी वही बैठा हुआ है सेम, तो इसका मतलब क्या हो गया, जी आई एफ एक्स माइनस एक्स प्लस जी आई एफ टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस जी आई एफ थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स एंड सो ऑन, लास्ट में एनएक्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताओ मेरे को आप, जी आई एफ एक्स माइनस एक्स क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टू एक्स माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ थ्री एक्स डॉट 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 माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनएक्स बन जाएगा। अब आपको बताया कि इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स होता है उसका पीरियड क्या होता है, वन होता है, तो इसका पीरियड कितना आएगा वन, इसका कितना आएगा वन अपॉइंट टू आ जाएगा डिवाइड बाय कोफिशियंट, इसका कितना आ जाएगा वन बाई थ्री, इसका अगला आ जाएगा वन बाई फोर, लास्ट में आ जाएगा वन बाई एन। तो फ्रैक्शन का अपन एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम ऑफ दीज ऑल क्या हो जाएगा बोलो, न्यूमरेटर का एससीएफ और सॉरी न्यूमरेटर का एलसीएम और नीचे वालों का एससीएफ, तो कितना आएगा, न्यूमरेटर का एलसीएम आ गया वन, सबका एससीएफ आ गया नीचे से वन, तो इसका जो आवर्तकाल आएगा पीरियड आएगा वो क्या आएगा, फंडामेंटल पीरियड वन आएगा, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन था, ये मिड सेशन टेस्ट सीरीज का आपका फिफ्थ टेस्ट का सॉल्यूशन, ये आपने अच्छे से कर लिया है तो अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो डाउट है वो आप ऐप पर भेज सकते हो, ठीक है। अगले टेस्ट की आप अच्छे से तैयारी करो, थैंक यू सो मच।